नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता की बगिया में। और आज स्पेशल एक वीडियो मैं बनाने के लिए आई हूँ। इस वीडियो के लिए बहुत सारे हमारे साथियों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप बताइए कि आपने जो फंगर प्लांटिंग की है तो वो फंगर और स्टोन वगैरह जो पैरल्स हैं वो कहाँ से आप खरीदती हैं। और ख़ास करके श्रुति जाधव हैं हमारी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड, उन्होंने पूछा था कि फंगर आपने सरिता जी कहाँ से लिया है बताइए। तो मैं आपको उस फंगर की शॉप पे ले आई हूँ। और सबसे पहले श्रुति जी से और अपने सभी श्रोताओं से मैं सॉरी इस बात के लिए बोलती हूँ कि जब मैंने फंगर प्लांटिंग की थी उस वक्त मैं चूँकि लाइव वीडियोग्राफी कर रही होती हूँ तो उस वक्त मेरे ज़ुबान से ये निकला था कि मैं साउथ एक्सटेंशन के एक मार्केट से मैंने ये फंगर ख़रीदा है। तो साउथ दिल्ली मुझे कहना था, तो ये साउथ दिल्ली में जगह है जहाँ से मैं ये फंगर और पेबल्स ख़रीदती हूँ। तो ये शॉप है, आप देखिए इसमें पूरा एड्रेस मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एड्रेस आप पूरा देख लीजिए। और ये टेलीफोन नंबर है, इस टेलीफोन नंबर पे आप फ़ोन करके आपको जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप पूछ सकते हैं। कुछ रेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मिस्टर भाटिया बना रहे हैं वीडियो, और मिस्टर भाटिया आपसे ही मैं पूछती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का ये जगह कौन सी है, प्लीज़ आप हमारे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। कौन सी जगह? कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास। तो साथियों आपने सुन लिया कि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास में ये शॉप है जहाँ से मैं ये सारे फंगर स्टोन पेबल्स जो भी हैं वो खरीद के लेके जाती हूँ। चाहे ट्रे गार्डनिंग करनी है, चाहे कहीं भी कुछ डेकोरेशन करना होता है, तो यहाँ हर साइज़ के आपको स्टोन मिल जाएंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्टोन जो है जनरली 50 रुपीज़ के जी इन्होंने बताया है। यहाँ दुकान के जो शॉप के हमारे जो इंचार्ज मालिक हैं वो यहीं बैठे हुए हैं और मैं आपको उन्हीं के पास ले जाती हूँ और उन्हीं से पूछती हूँ कि वैसे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बता दिया है मिस्टर भाटिया ने। आपका नाम क्या है? ललित जैन जी का ये शॉप है। और ललित जैन जी आप भी एक बार बता दीजिए कि यहाँ तक शॉप तक पहुँचने के लिए हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं, मैं आपके यहाँ से खंगर लेके जाती रही हूँ पैबल्स वगैरह, तो शॉप जानना चाह रहे थे और रेट जानना चाह रहे थे। रेट तो मैडम जैसे चीज़ का क्वालिटी आप बता रहे हैं उसको है ही है। जी हाँ, 50 रुपीज़ का मैंने रेट बताया था खंगर का जो मैं लेके आपके पास गई थी। और प्लीज़ भाटिया साहब आप इस तरफ से दिखा दीजिए, ये जितने भी हर एक साइज़ के जो पैबल्स हैं ये सब एक ही रेट में मिलते हैं या अलग अलग रेट है? अच्छा, जैसे ये बड़ा वाला जो है सफ़ेद वाला वो किस रेट में आप देते हैं? वाइट वाला जो है 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो है। और ये कलर जो है ये कलर वाले भी 20 रुपये किलो। जी 20 रुपये किलो ये कलर वाले भी हैं। और स्टोन वगैरह जो है 40 से 100 रुपये किलो तक। जी और यहाँ दिखाइए भाटिया साहब, ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हैं स्टोन, हमारे फ्रेंड्स को मैं बता दूं कि ये अगर सीढ़ियाँ वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ आ करके। बहुत शोर भी है, मैं चाहूँगी कि शोर को इग्नोर कर दीजिए। ये जो स्टोन होता है ये ट्रे गार्डनिंग में हम जैसे सीढ़ियाँ स्टेप्स बनाने की ज़रूरत होती है तो यू एक के ऊपर यू ऐसे लगाते जाते हैं और बीच में हम डाल देते हैं। तो मैं ट्रे गार्डनिंग जो की है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस तरीके से आपको हर तरह के आपको पत्थर की जो ज़रूरत है वो यहाँ मिल जाएगी। और कलर लेना हो, प्लेन लेना हो, और रेट भी आपको बता दिया जनरली यही है। हर तरह के कलर के हैं, कलरफुल हैं, येलो एक साथ आप अगर ये मल्टी। अच्छा ये बताओ भैया, ये जो मिक्स वाला है ये कैसे किलो है? 20 रुपये किलो। तो जनरली आपने फ्रेंड्स देखा कि जितने भी यहाँ पे आपको पेबल्स मिल रहे हैं सबका रेट एक ही है, 20 रुपये केजी के हिसाब से ही मिलता है। और कुछ खास अगर आपको लेना हो, और खंगर का भी रेट मैंने आपको बता दिया है कि खंगर जो आपको मिल रहा है वो 50 रुपये का मिलता है। मैं अभी आपको खंगर भी दिखाती हूँ। फिलहाल इनकी दुकान में चूँकि अभी पॉटिंग की गई है, जितने भी प्लांटेशन किया गया है वो खंगर पे करने की विधा एक बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, तो इसलिए खंगर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से मैं अभी आपको खंगर भी दिखाती हूँ। किसी भी तरीके के स्टोन की और ब्रिक की आपको ज़रूरत हो तो इस शॉप पे आप आ सकते हैं और यहाँ से खरीद सकते हैं। तो जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया मुझे वीडियो बनाने का, और मैं उम्मीद
करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जब आएंगे और मेरे चैनल का नाम लेंगे तो थोड़ा आप यह ध्यान रखिएगा और जी जी रियायत कर देंगे। तो देखा जैन साहब ने ये भी कर दिया, फ़ोन नंबर आपको हमने बता दिया है, एड्रेस दिखा दिया है, लिंक में मैं टोटल एड्रेस आपके डाल दूंगी तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। तो आइए मैं अपने वीडियोग्राफर मिस्टर भाटिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खंगर वाले साइड पे हमें लेकर के वो चले। आइए तो अभी बस बाकी तो हमने आपको दुकान की सारी चीज़ें कलर वगैरह दिखा दी और हमारे ये दो लोग जो साथी हैं यहाँ पे सारी सेवा में लगे होते हैं हम लोगों के। आपका नाम क्या बताया? अवधेश कुमार जी। और इधर भी भाटिया साहब एक छोटा सा बालक है, सुभाष कुमार। तो ये दोनों जो है सुभाष कुमार जी अवधेश कुमार जी ये सारा जब भी मैं पत्थर लेने आती हूँ यहाँ पे पैकिंग करते हैं तौल के देते हैं। सुभाष जी ना ये क्या ये खंगन? ये आपके खोखला स्टोन बोलते हैं, खोखला पत्थर। ये देखिए और ये जो है एक्वेरियम के काम में आता है, एक्वेरियम के। अच्छा एक्वेरियम के काम और फाउंटेन बनाने के काम में आता है। थोड़ा वेट इसका ज़्यादा है और मैं ये सोच रही थी कि एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ खंगर को इसमें फाउंटेन में यूज़ करके। तो अब जो यहाँ तो हमने देख लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये जो छत के काम में आता है क्या है? रूफिंग टाइल्स है। रूफिंग, हाँ, तो ये भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस दुकान में जैन साहब की दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो अब हम खंगर वाले साइड में चलते हैं भाटिया साहब, खंगर वाले साइड में लेके चलते। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये अब इस तरफ ये स्टोन के लेने में जो पंजिंग गार्डनिंग की मैंने बात की उसमें सबसे पहले स्लेट की ज़रूरत होती है। तो आप अपना नाम बताइए, क्या है? संजय हैं तंवर जी के ही इस स्टोन के फैक्ट्री में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे हैं और ये मुझे दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इसे स्लेट स्टोन कहते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये स्लेट स्टोन की पंजिंग गार्डनिंग के लिए बेस जो इसका बनता है वो इसी का होता है। जरा इसे घुमा के दिखाइए आप इसे को। ये देखिए ये होता तो भारी है लेकिन ये स्लेट स्टोन कहलाता है और इसी के ऊपर जो मैंने खंगर लिया है शुरू वाले दुकान से मतलब इन्हीं की दुकान से उसे इस पे लगा के और मैं गार्डनिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपको मैं उस खंगर के शॉप पे ले आई हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते दाम के खंगर मिलता है। और खंगर को हम इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं ख़ास करके जो पंजिंग गार्डनिंग हम करते हैं उसके लिए। मैंने कभी अभी तक पंजिंग गार्डनिंग की नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। हालांकि खंगर पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं और वो आप सबको वीडियो मैंने दिखाया था और आप सबको बहुत वो वीडियो पसंद आया था। और आप सबके स्पेशल मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि आप सबके विशेष आग्रह पे मैं इस खंगर की शॉप पे आपको लेके आई हूँ। फिलहाल तो मैंने पंजिंग गार्डनिंग के लिए ये तीन खंगर सेलेक्ट किए हैं जिसे कि मैं तीन साइज़ में लगाऊंगी, एक बड़े से प्लेट पे ये छोटा, उसके बाद ये बड़ा और उसके बाद ये बड़ा। और फिर जब मैं बनाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस रूप में आता है। तो इस शॉप के जो मालिक हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र तंवर। जितेंद्र तंवर जी ये खंगर कहाँ से निकल के आता है ये बताइए आप हमारे व्यूवर्स को। ये आता है जी इधर गन्ने की मिल से आता है, निकल के गन्ने की मिल से आता है ये मुजफ्फरनगर के साइड से। ओके मतलब ये हमारे ख्याल से ये जो कोयला जल के जो जो भट्टी में कोयला डाला जाता है ना उसमें भट्टी में जो गर्माहट बनता है भाप बनते है उसपे उसके बाद ये खंगर होता है, उसमें ईंधन डाला जाता है, उसके बाद में ये मलवा बन के निकलता है। मलवा है ये तो ये मलवा वैसे तो वहाँ भट्टी के लिए मलवा होता लिए है, मलवा है लेकिन ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पिछले दिनों बहुत बृहद पैमाने पर दिल्ली में प्लांटेशन करवाया गया और लोगों ने शुरुआत की खंगर पे क्योंकि इसे बंजर मानते हैं लोग तो इस पे प्लांटेशन करके पौधारोपण करके। तो क्या रेट इसका चल रहा है अभी आप बताइए? ये फिलहाल चल रहा है जी 100 रुपये का एक सीमेंट का बोरी होता है। सीमेंट की बोरी होती है तकरीबन उसमें कितने पीसेज आ जाते हैं? उसमें लगभग आ जाता है जी 30 किलो माल जी। और मैं अपने फ्रेंड से सबसे ये
कहूँगी कि जो शोर आ रहा है प्लीज़ प्लीज़ आप सब उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि फिर से एक बार मैं एड्रेस ही बता देती हूँ, आपको ये दिख रहा है ऊपर मेट्रो स्टेशन है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ही है। तो आप किसी भी साइड से कुतुब मीनार से उतरिएगा और इसके नीचे ही ये खंगर का शॉप है पूरा, तो यहाँ से आप आके खंगर खरीद सकते हैं। वैसे अगर बड़े साइज़ का खंगर, मैंने पहले भी रेट बताया था कि बड़े साइज़ का मैं खंगर जिस पे मैंने प्लांटेशन किया था वो 50 रुपीज़ का हमें मिला था। अभी देखते हैं तमर जी या तनवर जी जो भी हैं कि इसका क्या रेट लगाएंगे। तो आपका तनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे व्यूवर से आग्रह करें कि यहाँ आएँ और आ करके वो अगर खंगर लेना है तो आप थोड़ा सा रिबेट और कर दीजिएगा उनको। अगर मेरा चैनल है सरिता की बगिया, और अगर मेरे चैनल का मेरा नाम लेंगे तो कुछ परसेंटेज और उनको रिबेट करिएगा आप। बिल्कुल, जो होगा वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो हमारा ये आप सबके लिए सर्च और सर्वे था वो यहाँ पे सिखंगर के साथ पूरा होता है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज की ये मेहनत जो है जो इतनी भाग दौड़ करके मैंने आप सबके लिए खास कर ये वीडियो बनाया, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक बटन दबाइएगा ज़रूर, और शेयर अगर करेंगे तो अच्छी बात है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो अपना खूब ख्याल रखिए और अपने बागीचे का ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।